नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक एंटी एजिंग फॉर्मूला के बारे में या ऐसी कुछ दवाओं के बारे में जिनसे आप अपनी बढ़ती हुई उम्र को कुछ हद तक छुपा सकते हैं या कंसील कर सकते हैं या फिर उसको बढ़ने से काफ़ी हद तक रोक पाते हैं, ऐसी कुछ दवाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे आप 35 साल से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, 35 साल से ज़्यादा की अगर एज आप ले लेते हैं, तो उसके बाद में एजिंग के जो बदलाव हैं जो चेहरे पर या स्किन पर आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि रिंकल्स होना यानी कि झुर्रियाँ पड़ना, मेलेज्मा यानी कि पिगमेंटेशन होना, या फिर क्लोइज्मा यानी कि ये भी एक प्रकार का पिगमेंटेशन है, दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी अगर पिगमेंटेशन प्रेजेंट हो, छोटे छोटे मस्से हो, वार्ट्स हो, या फिर आपका जो चेहरा है वो डल दिखाई देता हो, आपकी जो स्किन है वो टोन्ड अप ना हो, आपकी स्किन जो है बहुत ही डल दिखाई देती हो, या आपका लुक जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव ना लगता हो, अगर इस प्रकार की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपसे शेयर कर रहा हूँ जिनसे कि आप एज को काफ़ी हद तक रोक पाते हैं या एजिंग के जो प्रोसेस है या एजिंग प्रोसेस के कारण जो स्किन पर आपको बदलाव देखने को मिलता है उसको आप काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो उनमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो काम करती हैं या जो बहुत ज़्यादा कारगर हैं, उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है REPL कंपनी का 89 नंबर कॉम्बिनेशन। REPL का 89 कॉम्बिनेशन जो है वह बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका जो कॉम्बिनेशन है या जो इसका कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारी दवाइयाँ मिली हुई हैं जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को यानी आपकी जो झुर्रियाँ हैं, आपकी जो स्किन की टोन है, आपकी जो स्किन का डलनेस है या स्किन में जो जीवंतता या जो लाइवलीनेस जो प्रेजेंट होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा पहुंचाती है। REPL 89 का जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर काफ़ी सारी दवाएं मिली हुई है, जिनमें से कुछ दवाएं जो है कैल्केरिया फ्लोर है। कैल्केरिया फ्लोर जो है वो आपको कहीं पर भी फाइब्रोसिस की समस्या हो या फाइबर्स बनते हो, कहीं पर भी स्किन में ओवर ग्रोथ हो या गैंग्लियन हो या इस प्रकार की समस्या हो, तो कैल्केरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा टॉनिक है। दूसरी जो दवा डली हुई है वो है कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया फॉस एक प्रकार का कैल्शियम और फॉस्फोरस का फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन है और यह बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। अगर कैल्शियम की कहीं पर डेफिशिएंसी हो रही हो, कैल्शियम की कमी हो रही हो, तो उसमें यह बहुत ही हेल्प करता है। तीसरी जो दवा डली हुई है वो है कालीम्यूर। कालीम्यूर भी आपके जो है स्किन को टोन करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। चौथी जो दवा है वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस एक प्रकार का आयरन और फॉस्फेट का फॉस्फोरस का जो कॉम्बिनेशन है, आयरन आपके ब्लड को बढ़ाने में या हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है। पांचवी जो दवा डली हुई है वो है कालीफॉस। कालीफॉस जो है एक प्रकार का नर्व टॉनिक है या यूँ कहें कि एक नर्वस टॉनिक है। किसी भी प्रकार का नंबनेस या किसी भी प्रकार का नर्वस सिस्टम के लेवल पर कहीं पर भी कोई कमी हो तो उसको यह पूरा करता है। कालीफॉस बहुत ही अच्छा नर्व टॉनिक है। छठी जो दवा डली हुई है वो है मैग्नीशियम फॉस्फेट या मैगफॉस। मैगफॉस का जो रोल है, मैगफॉस का रोल मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा है। कहीं पर भी मांसपेशियों में अगर आपको एज अ टॉनिक या एज अ पेन किलर अगर होम्योपैथी में लेना है तो मैगफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। यह मांसपेशियों के खिंचाव को कम करती है, उनमें उनको टोन अप करती है। सातवीं या जो मेडिसिन है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है स्किन के लिए। आठवीं जो मेडिसिन है वो है साइलिसिया 6X। साइलिसिया 6X जो है वो स्किन को और नेल्स को और साथ ही साथ हेयर को टोन अप करती है। इसके अलावा जो मेडिसिन डली हुई है वो है अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू जैसा कि आप सभी जानते हैं जो थोड़ा बहुत भी होम्योपैथी के बारे में जानते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा जो है एक प्रकार का एपेटाइज़र है या भूख बढ़ाता है, शरीर को स्ट्रेंथ देता है। अगली जो मेडिसिन डली हुई है वो है एवेना सटाइवा क्यू।
एवेना सटाइवा क्यू एक प्रकार का नर्वस टॉनिक है, एक प्रकार का एनर्जाइजर जो है मेडिसिन है, जो एनर्जी देता है बॉडी को डे टू डे लाइफ के लिए। लास्ट जो मेडिसिन है वो है एसिडफोर्स क्यू। एसिडफोर्स क्यू भी अगर आपको कहीं पर भी वीकनेस लगती हो, थोड़ी बहुत भी वीकनेस या थकान महसूस होती हो डे टू डे वर्क में या डेली आपको रूटीन लाइफस्टाइल में, तो आप एसिडफोर्स जो है आपको बहुत ही अच्छा मदद करता है। तो इस प्रकार से यह जो कॉम्बिनेशन है यह बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। REPL 89 ड्रॉप का आपको 10 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार लेना है, जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी, साथ ही साथ आपका जो स्किन टोन है वो भी अच्छा रहेगा। दूसरी जो दवा है वो है बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू जो है एक प्रकार का टॉनिक है, स्किन टॉनिक है, जो कि आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है और उसको टोन अप करता है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम क्यू का आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार लेना है। 20 बूंद सुबह लेंगे और 20 ही बूंद आधे कप पानी में शाम को लेंगे। तो ये 2 दवाएं थी जो कि ऑरली यूज करी जा सकती हैं या खाने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरी जो दवा मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। या विटामिन ई जो है वह एक प्रकार का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो कि स्किन और हेयर का एज ए टॉनिक काम करता है और स्किन और हेयर को वह ग्लो प्रदान करता है, या एक प्रकार से उसकी जो खोई हुई चमक है उसको वह रिवर्स करता है, नॉर्मलाइज करता है। तो विटामिन ई का कैप्सूल आप डेली नाश्ते के बाद में जरूर लें। चौथी जो दवा है वो है लगाने की दवा है। यह सनी कंपनी का या बैक्सन कंपनी का एंटी एजिंग लोशन है। एंटी एजिंग लोशन का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आपकी स्किन टोन जो है प्रॉपर नहीं है, आपकी स्किन आपको डल महसूस होती है, या आपका जो स्किन है उसमें काफ़ी सारे मेलेजमा है या काफ़ी सारे पिगमेंटेशन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप सनी कंपनी का एंटी एजिंग लोशन जो है वो लगा सकते हैं। एंटी एजिंग लोशन को आपको दिन में 1 से 2 बार अप्लाई करना है, सुबह और शाम इसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपकी स्किन टोन अच्छी होगी, आपकी स्किन टोन अप हो जाएगी और आपके स्किन में कॉम्प्लेक्शन भी क्लियर होगा। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक दवाएं। अब आपको परहेज क्या क्या रखना है या फिर जीवन शैली में क्या बदलाव करने हैं, तो आप डेली में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिए। पानी का बहुत ही अच्छा रोल होता है स्किन को टोन करने में या स्किन को क्लियर करने में। तो आपको रूटीन में यह आदत डालनी है कि आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी रोज पिए। साथ ही साथ आपको फाइबर डाइट जरूर लेना है। फाइबर में खीरा यानी कि कुकुम्बर, पपीता या पपाया आपको डेली थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाना है, सलाद में लेंगे, जिससे कि आपका पेट साफ हो, आपका डाइजेशन जो है अच्छा बना रहे या डाइजेशन जो है नॉर्मल बना रहे, जिससे कि आपका रूटीन में पेट साफ होता रहे, जिससे आपके स्किन पर डाइजेशन के कारण जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस आपके स्किन पर ना दिखाई दें। तो ये थे होम्योपैथिक मेडिसिन, साथ ही साथ में जनरल मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।